हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंशुल। स्वागत है आपका आरोहण में। आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। उस टर्म का हमारे लाइफ में, हमारे डे टू डे वर्क में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और उस टर्म के बिना शायद हम अपने लाइफ को आज के इस टाइम में इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, वो टर्म है इलेक्ट्रिसिटी। तो इस टर्म को समझने के लिए थोड़ा सा हम टाइम क्लॉक जो है इसको हम पीछे की ओर मोड़ते हैं और इतिहास के पन्नों को खंगालते हैं। इन द ईयर 1752, ए ग्रेट अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन वॉज ट्राई टू कैच द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द क्लाउड्स ड्यूरिंग ए वेरी हैवी स्टॉर्मी कंडीशंस बाय द हेल्प ऑफ फ्लाइंग काइट्स। तो उन्होंने एक प्रयास किया कि क्या हम जो लाइटनिंग स्ट्रोक्स है, जो क्लाउड्स में जो लाइटनिंग स्ट्रोक्स हो रही हैं, जो बिजली चमक रही है, कि क्या हम उसकी एनर्जी को कैच करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी फील्ड में आगे काम करते हुए इन द ईयर ऑफ 1780 ए ग्रेट इटालियन फिजिसिस्ट ल्यूगी गैल्वेनी हैज सॉ दैट व्हेन ही टस्ट ए सिल्वर और कॉपर स्टिक टू ए frog legs, then he saw that the leg was twisted and he just misunderstood the concept and he thought that the electricity was coming from the legs of the frog. So he has given a concept of animal electricity. In continuation with this, in the year of 1800, a great Italian physicist, Alessandro Antonio Volta, has developed a first voltaic cell which can produce electricity from a chemical reactions. In an actual, this is a great revolution in the history of electric field. And later on working on this same electricity area, in the year of 1827, a German mathematician, George Simon Ohms, has given a Ohm's law. आज Ohm's law को हम सभी लोग, खासकर जो engineering field में हैं, जो engineering degree diploma courses कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनको Ohm's law के बारे में बहुत कुछ मालूम है। Ohm's law ने इलेक्ट्रिकल सिस्टम को एक बहुत ही बड़ा आधार दिया। इसी के साथ इन द ईयर ऑफ 1831 माइकल फराडे हैज गिवन ए फराडेज लॉ। फराडेज लॉ, बेसिकली फराडेज लॉ हैविंग टू पार्ट्स एंड दिस फराडे लॉ एंड ओम्स लॉ बिकम्स द बैकबोन for the electrical system. In the year of 1873, James Clerk Maxwell has given a property of magnetism and the electricity, and the great revolution was yet to come. In the year of 1879, in the human life, the first time we have got an equipment which can give a light. So the equipment came the electric bulb and was given by Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison has created a big platform in the field of electrical and tells a great applications of an electricity. And also Thomas Alva Edison,
He is a builder of first electrical supply system in the whole world. In the year of 1882, all the scientists and researchers from entire world has thought that whether it is possible to take a further step in the field of electricity. Can we increase the research work on the electricity, whether we can provide or we can create some of the courses in the field of electricity. So the electrical engineering system came in picture in this era. In the same time, Thomas Alva Edison has developed a capacity about 110 volt DC electrical system to supply a 59 houses in Manhattan, New York for any business purpose. And along with this, in the 19th century, हम कह सकते हैं कि ये जो जर्नी है यहाँ पर की तो 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुए, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुए एसी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, एसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के ऊपर, एसी ट्रांसमिशन, एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने अपने एरिया को बहुत वास्ट बनाया, उसमें बहुत ड्रास्टिकली चेंजेस हुए और एसी पावर सिस्टम का जो एक नेटवर्क था वो इस रूप में बढ़ गया कि उसने डीसी को डोमिनेट करने स्टार्ट कर दिया। तो आज हम बोल सकते हैं कि आज का जो एरिया है, आज के एरिया में एसी नेटवर्क सिस्टम का, एसी सप्लाई सिस्टम का बहुत ही मेजर रोल है एज़ कंपेयर टू डीसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स। इसी फील्ड में आगे काम करते हुए इन द ईयर ऑफ 1895 निकोल टेस्ला हैज ट्रांसमिटेड ए रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल अक्रॉस ए डिस्टेंस अबाउट 80 किलोमीटर एंड ही हैज डेवलप ए रेडियो ट्रांसमीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग द रेडियो सिग्नल्स। अलोंग विद दिस In the year of 1897, cathode ray tube came in the picture, very important device for the measurement of a signals and to look the signal behavior in some of the CRT tube. Along with this, in the year of 1902, air conditioning machine came in the picture. Also, it's having a very advanced and very large role in a power system network. So like this, we have a different invention came at time by time for different applications. So ye ek brief historical view tha electricity ka. Electricity ka bahut hi large roop hai. अलग अलग उसके एप्लीकेशंस हैं, अलग अलग उसका एडवांसमेंट है, उसका बेनिफिशियल सिस्टम है हमारे कंप्लीट लाइफ के रूटीन पे। इलेक्ट्रिसिटी की जब हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी अब ना केवल एक टर्म है बल्कि इसमें डिफरेंट कोर्सेज भी आ चुके हैं। इंजीनियरिंग लेवल पर, डिग्री डिप्लोमा लेवल पर इलेक्ट्रिकल ब्रांच जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से ही आया हुआ एक रूप है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम यहाँ पर बहुत ही एडवांसमेंट स्टडी करते हैं, उसके अलग अलग पार्ट को देखते हैं, एक स्मॉल स्केल से लेकर लार्ज स्केल तक, स्मॉल टेक्नोलॉजी से लेकर लार्ज मशीनरीज तक, कि हम जो पहले हो चुके हैं उसमें और आज हम इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में अपना रोल भी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इस पे आज डिफरेंट डिप्लोमा और डिग्री इंजीनियर्स वर्क कर रहे हैं। इसी कोर्सेज की यदि मैं बात करूं तो डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज में इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में कुछ जो टर्म हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज हैं जो उस इलेक्ट्रिसिटी पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि मैं बात करूँ इलेक्ट्रिसिटी के एक बेसिक टर्मिनोलॉजीज की, तो चार्ज,
current, voltage, resistance, inductor, capacitor, and like this, so many different elements are very important. But this element is most important. So इन सभी टॉपिक के ऊपर, इस सभी बेसिक एलिमेंट्स के ऊपर स्टेप बाय स्टेप हम सेपरेट वीडियोस इसमें अपडेट करेंगे, ताकि आपको इस हर एक टर्म का एक बेसिक नॉलेज गेन हो सके, आप उसको समझ सको कि ये टर्म्स क्या हैं और ये टर्म्स जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं ये कैसे हमारे डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज के लिए बेनिफिशियल्स है और हमारे आगे के डिग्री कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी के इम्पॉर्टेंस और उसकी वैल्यू को समझते हुए क्या हम एक काम कर सकते हैं, क्या हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्या हम इलेक्ट्रिसिटी को एफिशिएंटली यूटिलाइज़ कर सकते हैं? जी हाँ, यदि हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रॉपरली यूटिलाइज़ करेंगे तो इससे एनर्जी सेविंग होगी और हमारे क्लाइमेट के लिए भी अच्छा होगा। तो मेरा बस हम सभी से एक रिक्वेस्ट है कि हम सभी इसमें आते हैं, हम सभी इलेक्ट्रिसिटी के इम्पॉर्टेंस और उसकी वैल्यू को समझते हुए उसे एफिशिएंटली यूज़ करें। थैंक यू वेरी मच।